देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम, उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल है, उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है उसके अहाते में बाउंड्री वॉल के अंदर। महाराजगंज में चाचा नहीं भतीजे प्रभात मिश्रा का किया था मर्डर। आप भी देखिए पूरा खबर। आपकी जानकारी बताया चले कि महाराज थाना क्षेत्र नवतापुर गांव के मर्डर केस में ना तो घर वालों का शक था और ना ही गांव वालों का, लेकिन महाराजगंज थाना पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके बाद तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। 20 वर्षीय प्रभात मिश्रा का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका सगा चाचा रामचंद्र मिश्र है। जी हाँ, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने इस सनसनीखेज का घटना का खुलासा मीडिया के सामने बताया है कि रामचंद्र मिश्र ने ही मर्डर केस का घटना को अंजाम दिया था। इस घटना की पूरी वजह क्या है आप भी सुनिए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा से। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है उसके अहाते में बाउंड्री वॉल के अंदर पर मिली। और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में वाइसवा में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार, इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया। और जब ये सारी चीज़ों की जाँच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पर ही थे उस समय, तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था, तो उसके बाद में जो जाँच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है। और जब इनसे संदेह के आधार पर जब उन्हें पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं, उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे, तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है। और पहले भी जो दादाजी ने इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था तो उसमें इनकी माता के नाम पर ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पर कर दी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक इनका और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था। और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया करीब 10 लाख रुपये जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी, इसी के उसमें इसने जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है तो ये पीछे पीछे आया और उसको बहका के और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया तो फिर इसने उसको पीटा और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया और उसके चेहरे पर, उसके सिर पर कई प्रहार किए और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है और इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की। मोटर सिर्फ प्रॉपर्टी था सर, प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके एक लड़का था, तो ये भी ज्वेलरी थी।